पिक्चर बनाते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी अगर हो भी तो उसे साइड पे रखना चाहिए, बिकॉज पिक्चर पहले पिक्चर बनाओ। झलकी एक्चुअली आपने ट्रेलर देखी? Yes, ट्रेलर में आपको समझ में आता है क्लीन एंड क्लियर कि पिक्चर में क्या है, कहानी क्या है, कहाँ जा रही है पिक्चर। ये तो हमारे स्टार्स है पिक्चर के, हाँ नाम हमारे हैं लेकिन स्टार्स तो ये है, और ये तो झलकी है हमारी। और ये जो लड़की है उसका भाई गायब हो जाता है, चाइल्ड लेबर में कहाँ फंसा हुआ है उसको पता नहीं कहाँ पे फंसा हुआ है, तो ढूंढने निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है ढूंढने के लिए, और आखिर में आई डोंट नो शायद मिल ही जाए, वही अच्छा है, सबको खुशी होगी। और मुझे मिलती है आखिर में फिल्म में, मैं प्लेइंग कैला सत्यार्थी, नोबेल प्राइज विनर, हु हेल्प्स इन द एंड फाइंड द बॉय। बट ये मैं दाद दूंगा फिल्म मेकर ब्रह्मानंद साहब को, ब्रह्मानंद सिंह, आई वुड रियली गिव ग्रेट 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 रिस्पेक्ट एंड सलाम टू द पीपल हु हैव प्रोड्यूस द फिल्म, इन्वेस्टेड इन द फिल्म, क्योंकि अगर ये फिल्म जितने भी लोग देखे और जितनी भी अवेयरनेस हो कि हमारे देश में चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, तो ये फिल्म जीत गई, बिकॉज वी नीड टू शो इट टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। और मेरा एंड ऑल्सो टू द कास्ट, अनिष्ठा, संजय, दिव्या दत्ता, सो मैनी फाइन एक्टर्स हैव स्टेप फॉरवर्ड एंड मेड दिस फिल्म। आई थिंक इट्स सो वंडरफुल कि आज भी आप यहाँ आए, हमारी इंटरव्यू ले रहे, ये इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को पता चले कि कैलाश सत्यार्थी साहब कौन है, क्या कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ जीत गए, किस लिए जीत गए, यूट्यूब पे जाके देखे, अवेयरनेस मिले, अवेयरनेस हो, और ये जो ट्रैफिकिंग का जो ये जो 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 बीमारी है हमारे देश में, बच्चों को चाइल्ड लेबर में छुपा कर बंद करके मेहनत करवाते, थिंग्स हैव टू इम्प्रूव, थिंग्स हैव टू इम्प्रूव, और दैट कैन ओनली इम्प्रूव थ्रू अवेयरनेस। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल्सो फॉर कमिंग एंड टेकिंग दिस इंटरव्यू ऑफ माइंड, सो दैट वी कैन स्प्रेड द वर्ड ऑफ दिस ब्यूटिफुल फिल्म। फिल्म के बारे में बात करेंगे, फिल्म के बारे में भी बात करेंगे, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। आपने ट्रेलर अगर देखी और आपको कहीं पर भी ट्रेलर में गूस बम्स अगर मिले हो या आपको छुआ हो अपने आपके दिल को, तो आप पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि पिक्चर में इतनी प्यारी कहानी है। आपने बात करी दिव्या दत्ता, संजय सूरी, दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, व्हाट अबाउट द न्यू यू नो अपकमिंग जनरेशन, द किड्स, हाउ आर दे, एंड वाज इट इमोशनली एक्सपीरियंस लाइक इमोशनली चैलेंजिंग फॉर यू लाइक डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल? देखिए इट वाज चैलेंजिंग, कोई भी रोल को चैलेंजिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई रोल कॉमेडी का रोल हो या कोई विलेन का रोल, हर रोल को चैलेंजिंग होना चाहिए। लेकिन आई एम प्लेइंग कैला सत्यार्थी साहब इन दिस फिल्म, और I have to portray it honestly. कैसे इंसान है, क्या उनका ड्राइव है, क्या उन क्या कैसे मेहनत करते, क्या क्या उनका सामना करना पड़ा। 88,000 बच्चों को रेस्क्यू किया है इस इंसान ने, कैसे किया होगा, तो वो तो इज़ अ डिफिकल्ट एक्ट फॉर एन एक्टर टू डू, बिकॉज इतने बड़े इंसान है। लेकिन बच्चों के साथ जब मैं सेट पे था, बातें करते थे इन लोग को, बस वो टेंशन फ्री, तो मैं बोला मैं टेंशन में क्यों, तो इनके टेंशन फ्री के साथ मैं भी घुस जाता हूँ, और हम लोग ने सेट पे एक्टिंग किया और साथ में एक्टिंग किया, बिकॉज दे हैव एन इनोसेंस, यू नो, सो एंड आई वेंट अहेड विद देयर इनोसेंस, बिकॉज इनोसेंस में भी एक ताकत है, एंड आई थैंक देम फॉर इट। सर, यू आर ऑलवेज बी चूजी अबाउट लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हाट यू प्ले, सो इज दिस इज द वन थिंग व्हिच इज टच्ड यू लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ अ रोल, बिकॉज़ द स्टोरी लाइन इज यू नो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। It has touched me. I'm very, apart from it touching me, I wanted to be to spread the word to the rest of the country, maybe the world, for people to support people like him. Of course, it touches me, but I think the word has to be spread to a lot more people. Okay, sir. Movie mein to aapne jhalki dikhai hai, jhalki naam movie ka hai. Aapki real life mein bhi like you are a photographer. I'm starting a new film in 4-5 days.
And they've not announced it yet for some reason. I don't know, so it's difficult for me to say it. But I've been writing a film for some time under my own banner. I'll make my film, which I've written myself, and I will direct myself. So that is my next big thing, which I'm very keen to do. So lastly, a message for you, for the fans, based on this movie. I would really like it. It's releasing on Children's Day. बाल दिवस पे तो मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को बहुत अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं, एंटरटेन करते हैं, खुश रखते हैं. ये पिक्चर भी देखेंगे, बच्चे खुश होंगे, इसलिए कुछ उन लोग को अच्छा लगेगा. दे विल अंडरस्टैंड कि एक दूसरी भी दुनिया है. एंड दे यू विल क्रिएट अवेयरनेस विथ योर ओन चिल्ड्रन. टेक योर चिल्ड्रन टू दिस, सी दिस फिल्म, यू विल नॉट रिग्रेट इट. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.